अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये जो सेम कहते हैं इसको, ये मैंने फ्रोज़न लिए, वैसे मैंने कभी यूज़ नहीं किया, आज फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह मैं इसका मैं रिव्यू आपको दूंगी कि कैसी बनी। तो इसके लिए हमें टेम्परिंग के लिए हमें ये एक टेबल स्पून ज़ीरा चाहिए और ये 6-7 मैंने ये गोल वाली और लंबी वाली मिर्चें ले ली हैं। और स्पाइस में हमें चाहिए नमक और कुटी हुई मिर्च, तो बस ये डालेंगे और इसको हम दम पे रख देंगे। तो चले बनाना शुरू करते हैं। देखें, मैंने पॉट रख दिया है गरम करने के लिए। ये देखें कितनी शाइन भी दे रहा है। आपको मैंने अभी दिखाया था कि कैसे मैंने इसको वॉश किया। तो ये देखें, इसमें मैं 3 टेबल स्पून ऑयल डाल दूँगी, वेजिटेबल ऑयल है ये। जब यह वार्म हो जाएगा तो फिर इसमें मैं टेम्परिंग की चीज़ें डाल दूँगी, ज़ीरा और मिर्च। ऑयल गरम हो गया है तो हम इसमें 2-3 मिर्चें हम तोड़ के डाल देंगे, बाकी मैं वैसे ही डाल दूंगी। ठीक है, ये हल्का सा जब फैटे हो जाएगा तो फिर इसमें मैं ये सेम जो है ये डाल दूंगी। मसाले डाल देंगे। अच्छा, मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाल रही हूँ, अगर आपको अच्छी लगती है तो डाल दें, क्योंकि ये सेहत के लिए हल्दी अच्छी होती है। तो मैं थोड़ी सी हल्दी भी इसमें डाल रही हूँ। इसको मिक्स करेंगे, उसमें पानी नहीं डालेंगे क्योंकि मैंने धो लिया है, तो थोड़ा बहुत पानी तो इसमें आ गया है और ये इसी पानी में दम हो जाएगी। और चाहें तो आप 1-8 हरी मिर्च काट के भी डाल सकते हैं। वेरी क्विक एंड इजी एंड सिंपल रेसिपी है ये। इसको बस हम अब दम पे रख देंगे 10 मिनट के लिए। जब ये दम हो जाएगी तो मैं आपको दिखाती हूँ और इसका रिव्यू भी देती हूँ। ये देखें, ये रेडी हो चुकी है। मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ और इसका रिव्यू भी दूँगी आपको कि कैसी बनी। अगर आपकी ना गली हो सेम है तो इसको चेक कर सकते हैं। वैसे तो ये गल गई है, मैं इसमें थोड़ा पानी भी डाल सकती हूँ। चलिए, मैं अब डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ।